और एक में एडिशन। हाँ सर, ये रिडॉक्स ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहले यहाँ पे रिमूव हो रहा है और फिर मतलब ये रिडक्शन होगा और फिर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये दोनों रिडॉक्स। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका। सर आप मीटिंग में वापस मतलब आप आ गए, पर जो पीबी और पीबी है उसमें रिडक्शन हो रहा है और सी और CO2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में ऑक्सीजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसके लिए वेरी रिडॉक्स गुड, रिएक्शन करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, पीबीओ का है रिमूवल ऑफ ओ, इसलिए ये सर, इसका हो उसमें रहा है रिडक्शन हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिडक्शन हो का। रहा है रिमूवल ऑफ, और सी प्लस और CO2 का हो रहा है एडिशन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एग्जैक्टली इसके लिए करेक्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। यस, वेरी गुड। ठीक, सर पहले इसमें कौन सा कंपाउंड फाइंड होगा, Cl2+H2S में? Cl2+H2S में फॉर्म होगा ना, क्या होगा इसका, HCl+ सर, HCl+S टू में टू का एच रिडक्शन हो रहा सी है, H2S और S में ऑक्सीडेशन हो रहा है एल प्लस टू एच सी एल प्लस एस और ये होगा। रिडक्शन। एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है बेटा, सर उसका 2HCl+S होगा ना? हाँ राइट। ओके ठीक है, ये भी आपका रिडक्स रिडक्स रिएक्शन है।
ठीक है. नाउ यू विल सी व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट. करेक्ट. यस सर. यस सर. व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट इज सर रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब कि जिसमें से रिडक्शन हो रहा है, और मतलब जो दो एलिमेंट है उसमें से रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और ऑक्सीडाइजिंग मतलब हो रहा है रिडक्शन ऑफ H2 हो रहा है, मतलब H हो रहा है. ओ H2 नहीं, सॉरी सर. नहीं नहीं सर, गड़बड़ बता रहे हो. नहीं सर, रिडक्स रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडाइज होता है वो सब्सटेंस, और ऑक्सीडाइजिंग में रिड्यूस होता है. ठीक है, तो अभी यहां बताओ पीबी और सी में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है. पीबीओ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सर रिड्यूसिंग एजेंट है. सर रिड्यूसिंग एजेंट है और ओ सॉरी ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज्ड क्या 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 ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन. पीबीओ. PBO is oxidizing. Very good. जिसका रिडक्शन हो रहा है. Very good. शायद से मेरे को लग रहा है O में O reducing agent है. PBO क्या है आपका. This is oxidizing agent. Okay. जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है मतलब कार्बन का. कार्बन इज व्हाट. कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट. Reducing agent. Okay. Carbon is reducing agent. Got it? हाँ सर. Good. Good, good. जो यहाँ पर reducing मतलब reduction. बोलो बोलो ना. हेलो सर. आवाज बहुत अलग आ रहा है सर. क्लियर आ रहा है बट बहुत अलग आ रहा है. हेलो अभी आ रहा है आवाज. हाँ सर अभी आ रहा है. मैं माइक को एकदम बहुत ही पास से बोल रहा था. हेलो हेलो. ठीक है. इसलिए सर जब भी आप बोलते हो तो फिर फोन भी वाइब्रेट होता है, मतलब जिससे हम बोल रहे हैं मतलब आपका. अच्छा तो वो भी वाइब्रेट होता है. अच्छा मोबाइल पे कर रहे हो क्या. हां मोबाइल पे अटेंड कर रहे हो. हां सर. वेरी गुड गुड गुड. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है मोबाइल पे अटेंड करने के लिए. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. जनरली स्क्रीन उसका छोटा था बट नो प्रॉब्लम. व्हाटएवर इज अवेलेबल विद अस वी शुड डू दैट. करेक्ट ना जूम सर. हम मोबाइल पे मतलब जैसा चाहे जूम करके देख सकता है. लैपटॉप में थोड़ी ना जूम होता है. करेक्ट. हाउएवर व्हाटएवर इज अवेलेबल विद अस दैट इज ओके. ये बात समझ में आई ना आपकी. कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. हाँ सर. ओके. अब इसमें बताओ कॉपर ऑक्साइड वाला मैं जो एग्जांपल दे रहा था पहले उसको फिर से रिपीट करता हूँ. CuO प्लस H2 गिव्स मी Cu प्लस H2O. देखो इसमें CO नहीं. रुको रुको. रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है वो बताना है. ठीक है इधर उधर कुछ मत बताओ सर. आप वही बता रहा हूँ. CO रिड्यूसिंग एजेंट है और H2 ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है सर. नहीं सर उल्टा बोल दिया. H2 रिड्यूसिंग एजेंट है और CO. अच्छा
लेकिन इसका रिडक्शन किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, वो तो बताओ सर। नहीं नहीं दोनों का रिड्यूसिंग हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है सर। दो मिनट दीजिए बस, सोचो रहे। सर मैं मतलब मेरा हो गया, मिल गया मेरे को आंसर्स। बताओ सर। तो फिर सी यू और सी यू ओ और सी यू रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सी यू ओ है, और एच टू और एच टू ओ में ये ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है, और इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। करेक्ट है सर? करेक्ट। इसका हो रहा है रिडक्शन, करेक्ट ना? इसका मतलब CU है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट होगा सर? ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा ना, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, H2 में O ऐड हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, करेक्ट? ऐसा ही बोल सकते सर। ये हम मतलब ऐसे ही देख देख के बोल नहीं सकते, इसके लिए हमको मतलब पेन पेपर पे लिखना होगा, और फिर मतलब सब कुछ सेपरेट सेपरेट करना होगा, और उसके बाद फिर अगर मतलब सेपरेट किया तो फिर ठीक से समझता है सब कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट, राइट, वैसे ही करना पड़ता है। दैट्स व्हाई पेन एंड पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, सर इससे ही पता चलती है कलम और कागज की ताकत। वाह वाह वाह, क्या बात है, गुड गुड सर। मतलब ये तो मतलब एक लेसन में था, वो गांधी जी का था ना, वो कलम की ताकत, उसमें मैंने बना दी कहावत। हिंदी लगता है तुमको बड़ा पसंद है, हिंदी सब्जेक्ट? हाँ सर, क्योंकि बचपन में जिस स्कूल में थी ना, वहाँ पर हम इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में ही बात करते थे, तो फिर इसके लिए मेरी हिंदी बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा हाँ सर, क्योंकि मैं घर में भी हिंदी बोलती थी। अच्छा गुड गुड सर। और एक एग्जांपल ना, रुको, क्या है, लैपटॉप का चार्जिंग चला गया है। ओके 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 सर, इसको मैं थोड़ा सर मैं भी अपने फोन को चार्जिंग पे लगा देती हूँ। सबको चार्जिंग की जरूरत है। हाँ सर, क्योंकि अभी तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। करेक्ट, रुको थोड़ा इसको लगा देते हैं। लग गया चार्जिंग, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग? यस हाँ सर, मेरा भी लग गया सर। आप और एक एग्जांपल देने वाले थे। यस करो इसको सर। What does C represent? Carbon. Okay. ठीक ना?
रिडॉक्स रिएक्शन है ना सर, जेड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सी रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ सर, जेड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सी रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, यस ओके गुड। तो ठीक है गुड, जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू समथिंग, जस्ट फाइंडिंग इट वेयर इट इज। Okay, wait. हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है बेटा। You want to say something? सर, आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया? हाँ, बताओ आंसर श्रेयम इसका। हाँ सर, यहाँ पे सर बता दो तो सर रिपीट करो या फिर क्या? हाँ, उसको आंसर बताओ क्या है। ओके सर, तो ये सी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जेड एन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड, सर मुझे लगा हो गया आपने। हाँ हो गया। I wanted to give something, that's what I was searching for. Okay, hopefully I have found it. Let's see whether it's the same thing. ओके ऑलमोस्ट डन। ओके, लेट्स शेयर दिस विद यू। सर इसके बाद हम क्या करेंगे? नाचेंगे। कौन पूछ रहा है? चैप्टर बोल रहे हो क्या? हाँ सर। लेट्स आई हैव प्लान्ड समथिंग, आई विल नॉट रिवील इट नाउ। ठीक है, इसको करो फटाफट से। सर आपको चैट में आंसर भेजना है? जरूरत नहीं है, करो सॉल्व, बाद में बता मुझे। सर
क्या और 3-4 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, करो फटाफट। ये दूंगा, इसके बाद ब्रेक लेंगे, ठीक है? हाँ सर। Excuse me, sir. बोलो ना सर, ब्रेक है क्या अभी? नहीं सर, सेवेंथ क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हुआ है। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन NACL होना चाहिए। NACL, वेट वेट वेट, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या हो रहा है बोल रहे हो? सर NACL होना चाहिए HCl की जगह पर, क्योंकि वहां पे NaNO3 आ रहा है। हाँ करेक्ट करेक्ट, कर लो वो चेंज। सर 1 मिनट दीजिए और
हो गया सर? नहीं एक मिनट, हाँ सर बताओ क्या क्या आएगा फटाफट। सर मैं बताऊँ सर, पहला फर्स्ट का डिकम्पोजिशन होगा। हाँ सर। सर सेकंड का कॉम्बिनेशन होगा। सर थर्ड का वापस डिकम्पोजिशन होगा। हाँ सर, थर्ड डिकम्पोजिशन और फोर्थ डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्ड कौन सा? फोर्थ वाला बोले सर? फोर्थ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सर। फोर्थ डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट? नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस कम है क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट मेटल है और रिएक्टिव है। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा वो। एफ ई क्या कर रहा है? एफ ई, अब एफ ई के पास दो एस है ना, इसका भी एस ले रहा है वो। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे डबल कहाँ है हो रहा है सर? डबल मतलब डिस्प्लेसमेंट पे एस। डिस्प्लेसमेंट का ही है ये। सर फिफ्थ ये डिकम्पोजिशन। सर पर एजी तो टू है, एजी टू, फिर इधर तो एजी वन आया। इसको बैलेंस करो, इसना करो, ठीक है? नो प्रॉब्लम, कभी कभी बैलेंस नहीं रहेगा, उसको बैलेंस करना चाहिए हमको। सर ये जो सिक्स्थ वन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। फिफ्थ तो करो पहले। फिफ्थ तो डिकम्पोजिशन, सिक्स वन डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और सेवेंथ वन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। हाँ सर। ओके, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, गुड गुड गुड, ठीक है। दैट मींस यू गॉट इट करेक्ट, राइट? ओके, वी विल हैव अ ब्रेक नाउ and then come back after 5 minutes, okay? Yes sir. So meeting end ho jayega, 5 minute baki hai, to naya meeting chalu karenge tab, okay? Okay sir. Yes, theek hai, we'll have the break.